नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र और आज जो देख सकते हैं आप RVSM की 1135 जो बहुत ही बेस्ट सोयाबीन मानी गई है लेट वैरायटी की। और ख़ास ये जहाँ जो ज़मीन गीली ज़्यादा रहती है, जो गिलचिली मतलब गीली ज़मीन रहती है, उसके लिए ये सोयाबीन बेस्ट मानी गई। आप फलियाँ देख सकते हैं 1135 की है और आप नीचे से देखिए तो ऊपर तक फलियाँ ही फलियाँ, ये सिंगल ब्रांच देखिए आप ऊपर से लेकर नीचे तक फलियाँ ही फलियाँ है किसान साथियों। और ये लगभग 75 दिनों की हो चुकी है, 75 दिनों की। और इस प्रकार इसमें फलियाँ हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरे पौधे पे। मैं बता देता हूँ इसमें, सॉरी 2 मिनट, बट ये इस प्रकार किसान साथियों। और इसमें हमने प्रयाग सर का उपयोग पहले कर चुका है और इसमें आप ऊपर देख सकते हैं किस प्रकार ये ब्रांच के ऊपर देखिए आप किस प्रकार ये इसमें भी 2 मिनट की पत्ता बीच में आ रहा है, इसको निपटा देते हैं। या फलिया देखिए और एक पत्ता फिर आ रहा है बीच में, ये आप इसमें गुच्छा देख सकते हैं किस प्रकार। वो झुमका नहीं है जो 1403 1404 उस प्रकार इसमें ऊपर झुमके हैं ये 2 मिनट, ये 1135 है किसान साथियों। बहुत ही बेस्ट सोयाबीन मानी गई है ये। और ये जो हमारा खेत है इसमें सभी सोयाबीन की हाइट हर साल छोटी रह जाती है। आप जो ये साइज़ देख रहे हैं ये साइज़ रह जाती है, पर जो इस खेत में इस साल लगभग साइज़ हुई है तो 3 फुट तक साइज़ हो चुकी है अंदर साइड। ये बाहर साइड तो हमने खरपतवार की दवाई तेज मार दी थी उसके कारण। ये आप फलियाँ देखिए बस क्या। और किसान साथियों ये आप एक बार झुमके देखिए इसके किस प्रकार, और बहुत ही बेस्ट वैरायटी सोयाबीन है ये। और जो किसान कम खेती तथा जिन्हें समय लग मजदूरों मिलने में दिक्कत होती है वो इस सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल में ये झुमके आप देखिए, फिर नेक्स्ट झुमका तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें कम बीज जिसको इसको 17 या 15 किलो डालेंगे आप तो इसका औसत आपको और तगड़ी देखने को मिलेगी। और लगभग एक साल में मतलब इसकी औसत अभी 6 से 7 क्विंटल प्रति बीघा निकल सकती है। दूसरी इस गलचली ज़मीन में इसकी 5 क्विंटल निकल सकती है इस साल लग रहा है। और बेस्ट बहुत सोयाबीन है, इस खेत में कभी भी इतनी हाइट नहीं हो पाई क्योंकि इस खेत में गीला इतना रहता है कि मिट्टी सड़ जाती है इसकी और वो हाइट रह जाती है लगभग 1.5 से 2 फीट। इस साल इसने 3 फीट और यह खेत हार्वेस्टर से अच्छे से कटेगा। उस साल सूखा होने के कारण भी इसे काटने में बहुत समस्या हुई है, तो खास समस्या का हमें ये देखने मिला, हाइट छोटी रह गई और फलियाँ काट के आधी नीचे गिर गई तो बहुत नुकसान हुआ। तो मजदूर से कटवाया इसे 2 साल से खेत को, इस साल इसमें मजबूर की अगर खेत सूखा है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि कुछ बहुत लेट आती है, तो लेट आने के कारण ये खेत सूख जाएगा और खेत सूखने के कारण इसमें हार्वेस्टर से आराम से कटाई होगी। और एक हार्वेस्टर से कटाई का ये फ़ायदा रहेगा कि जल्द से जल्द कट जाएगा और मज़दूरों के पीछे भागने की समस्या खत्म हो जाएगी। और एक ये लंबी हाइट होने के कारण इसमें फली एक मतलब आधा फीट ऊपर से आती है तो फलियाँ नीचे रहने का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। मतलब बहुत सोयाबीन में फलियाँ नीचे से आती है तो उसमें फलियाँ नीचे रहने के बहुत समस्या आती है। और ये है RVS की 1135, बहुत ही बेस्ट सोयाबीन है किसान साथियों। अगर आप इसको लेट वैरायटी कोई बोना चाहते हो तो इस वैरायटी का उपयोग करें और लगभग 12 से 15 किलो इसका ओवरऑल रख सकते हैं आप। और 15 किलो में इसकी औसत बहुत तगड़ी निकलेगी। और अगर आप इसको 12 किलो प्रति करते हैं और उसमें हल्का अगर खाद जो DAP वगैरह दे सकते हैं या देसी खाद वाले खेत में इसको उपयोग करें तो बहुत ही बेस्ट सोयाबीन है। और आपको दिखाता हूँ मैं किस प्रकार इसकी फलियाँ, बहुत ही बढ़िया फलियाँ है इसकी जो आपको कहीं भी दिखा देता हूँ। ये इस साइड थोड़ी हाइट छोटी, मैं आपने बता रहा हूँ खरपतवार की दवाई के कारण हो चुकी है। तो किसान साथियों इस सोयाबीन को लगभग 105 दिन से 115 दिन को भी हो सकता है, अगर सॉरी 115 या 120 दिन हो सकता है, 5 दिन गलती से वो 110 दिन से, तो इसमें आप प्रयाग सर का उपयोग करेंगे तो और थोड़ी सी 5 या 6 दिन लेट हो जाएगी। तो किसान साथियों कैसी लगी हमारी 1135 और कैसा लगा हमारा ब्लॉग। और ये हमारी गिलचिली ज़मीन है जिसके कारण और इसमें एक ओराव हमने इसका भी 20 किलो प्रति बीघा किया था और ये बावल के पेड़ के कारण फलियाँ डाउन हो चुकी है। तो किसान साथियों कैसी लगी हमारी 1135। और ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें आप जी। और एक चीज़ आप झुमके देख सकते हैं, बाहर से ही झुमके देख सकते हैं और हाइट देख सकते हैं। ये आप गिलचली ज़मीन देख सकते हैं, इसमें ना कोई खरपतवार भी उग नहीं पा रहा है जिसमें सोयाबीन खड़ी है इस प्रकार। तो धन्यवाद किसान साथियों, ऐसी किसान संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
धन्यवाद।